आपका रील देख रहे थे जिसमें आप अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। ज्वाइन करने का तो बहुत मन है, फिर मैंने आपका प्रोफाइल अपने सीनियर को भेजा, वो बोले सोशल मीडिया रहने दो, जैसे आ रहा है वैसे आने दो। अच्छा, तो यहाँ आने की वजह? दिल की बात बतानी, हमको ना रोड पर पंपलेटिंग करना ठीक नहीं लगता, लगता है कि हम किसी से भीख मांग रहे हैं। किसी को सामने से पंपलेटिंग देते हैं ना तो बगल से निकल जाता है, और थोड़ी देर बाद हम वापस वहां पर आते थे, अपना ही पंपलेटिंग देख के दिल पर बहुत चोट लगता है मैडम। तो आप क्या चाहते हो? क्या है ना, अब लोग ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पर ट्रस्ट करते हैं, और मेरे दिल से एक ख्वाहिश है कि मेरा ऑनलाइन अलग पहचान हो। लोग हमें खोजते हुए आए और बोले क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, पर एक दिक्कत है, मेरे सीनियर मानते नहीं है, क्या आप ही कुछ समाधान निकाल सकते हैं? बीच का समाधान निकालने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप रोड पे भी नहीं जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी काम नहीं करेंगे, तो आपको लीड कौन ला के देगा? आपके सीनियर? नहीं, वो तो पूछते हैं कि आज कितने लीड से आए और कहाँ से लाए। वो छोड़िए, सबसे पहले ना आप अपने सीनियर के साथ बैठ के बात कीजिए और उनको बोलिए कि सर आपके जमाने और हमारे जमाने में ना बहुत फर्क है। हो सकता है उन्होंने ऑफलाइन काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा लिया हो, लेकिन आज के जमाने में ऑफलाइन में ना लोगों को चिढ़ होती है अगर आप सामने से जाके अप्रोच करें। अगर आपको सोशल मीडिया ठीक लगता है ना तो आप कीजिए, लेकिन एक बात बता दूं, सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप आ रहे हैं तो आपको 6 महीने से 1 साल का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस न्यू प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए। और एक बार आपका रिजल्ट आ गया ना तो आपकी सीनियर का, आपकी पूरी कम्युनिटी आपको सलाम ठोकेगी। नहीं, मैं अपने सीनियर से अभी बात करता हूँ, जब तक मेरा सीट बुक कर लीजिए। ओके, कमेंट बुक।